सत्यकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे रंबोटन E35 फार्मिंग के बारे में। इनका साइंटिफिक नेम है नेपीलियम लेपिसियम और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले एक बेहतरीन अनोखा अद्भुत फल है, जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी का भी मन मोह लेता है और अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। यह फल काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं लीची फलों से। जिस प्रकार लीची फलों का शेप, कलर या शेप होता है, ठीक उसी प्रकार का सिमिलैरिटीज आपको इन फलों में भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रंबूटन E35 फलों के बारे में, तो यह फल राउंड शेप में पाया जाता है और इनका जो रंग होता है वो पीले रंग में पाया जाता है। दोस्तों, इनका ओरिजिन प्लेस है मलेशिया और विश्व के कुछ रिहायशी इलाकों में जैसे इंडोनेशिया, साउथ आइलैंड में भी इस प्रकार के पौधे आराम से देखे जा सकते हैं। भारत के कुछ रिहायशी इलाकों में जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसकी खेती कई अरसों से की जा रही है और कमर्शियली तौर पे यह बिज़नेस सक्सेसफुल बन चुका है और भारत के किसान बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं रंबूटान की फार्मिंग से। इन पेड़ों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इस कारणवश इसकी कैनोपी भी काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इसकी ब्रांचेस बहुत अच्छी तरीके से विकसित होती हैं और अच्छा फैलाव रखते हैं। इस कारण जब इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जब लग जाता है तो यह पूरे पेड़ को अपनी फ्रूटिंग से कवर कर लेता है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव एवं आइकॉनिक होता है और यही इसका सौंदर्य है। इन फलों में एक आवरण देखने को मिलता है, जो बालों को एक छोटा सा आवरण होता है जो इस फ्रूट को कवर करके रखता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की होता है, जो काफ़ी ज़्यादा नायाब होता है और देखने में भी काफ़ी लग्जरी लुक देता है। और इसके अंदर एक सफ़ेद रंग का गूदा पाया जाता है और इसमें एक सिंगल सीड ही पाया जाता है। और इसका जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा यूनिक टेस्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है। अगर आप रंबूटन E35 का कंपैरिजन करते हैं अन्य रंबूटन वैरायटी से, तो आप इनमें पाएंगे सबसे ज़्यादा स्वीट जो टेस्ट आता है वो रंबूटन E35 में ही आता है। दोस्तों, रंबूटन E35 के फलों का जो आकार है वह राउंड शेप में पाया जाता है और इसमें सफ़ेद रंग का गूदा देखने को मिलता है और इसका जो सीड का जो आकार है वह बड़ा होता है। इस कारणवश इसका जो वेट है वह भी कम आता है। इस कारणवश अगर आप कंपेयर करेंगे अन्य रंबूटन वैरायटी से, तो कमर्शियल तौर पर अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इसकी जो खेती है वो काफ़ी कम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू रंबूटन N18 और रंबूटन किंग। इन पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, पॉट्स में, ड्रम्स में, बैरल्स में, ग्रो बैग्स में, खेतों के मेड़ों पर या इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे अद्भुत फलों का सेवन आप घर पर बैठे बैठे ले सकते हैं। अब आपको विदेशी फलों का सेवन करने के लिए विदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, भारत की मिट्टी में ये बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे हैं और कई अरसों से इसकी फार्मिंग की जा रही है और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका है और इसका लुफ्त आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं। दोस्तों, जब इन पेड़ों पे जब फल लगते हैं तो ये पहले ग्रीन फॉर्म में देखने को मिलता है और जब ये फुल मैच्योर पीरियड पे होते हैं तो ये पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक एवं आई कैचिंग होता है, जो आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी ओर आकर्षित करता है बार बार खाने के लिए। रंबूटन E35 की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, अगर आप इसे तोड़ लेते हैं और जब आप इसे खाने का प्रयत्न करेंगे या इसे खाएंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप बैठे बैठे ही तकरीबन 1 किलो आराम से खा सकते हैं और यही इसकी खूबसूरती भी है, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्वीटनेस। इन पौधों की जो लंबाई है वो 10 से 25 फीट तक का जाता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ यह एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान के हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी यह पौधे बहुत अच्छे तरीके से पनपते हैं। जल भराव नहीं, जल रिजर्व वाली मिट्टी होनी चाहिए। ग्राउंड का पीएच वैल्यू 5.5 से 6.5 तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। दलदली वाले क्षेत्रों में या जहाँ पर बर्फ़ पड़ती हो, उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार की वैरायटी के रोपनी करना असंभव सा प्रतीत होता है। आप इन्हें प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में, माउंटेन्स वाले एरियाज़ में या पथरीले वाले इलाकों में भी आराम से इसके पौधे की रोपनी कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे अद्भुत फलों का सेवन आप कर सकते हैं और यह मुमकिन है। अगर आपके घर में
छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें एक्जोटिक फ्रूट्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसके प्लांटेशन कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे अद्भुत फलों का सेवन आप कर सकते हैं। यह 100% नेचुरल होने के साथ साथ डायबिटीज़ पेशेंट्स भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि इनमें स्वीट का जो कंटेंट है काफ़ी लो होता है और इसे बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है और इसमें किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता है। दोस्तों, पौधे लीजिए जो आपको 2 साल के अंतराल में ही आप इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देख सकते हैं। दोस्तों, हाउ टू ग्रो, 1 एकड़ की ज़मीन पे 20x20 के हिसाब से आप 100 पौधे आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो 15x15 के हिसाब से 200 से 250 पौधे आराम से बिठा सकते हैं। इन्हें किसी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है, यह बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे होते हैं। आप इनमें साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा आप इनमें वर्मी कंपोस्ट, बोन पाउडर, नीम खली पाउडर या बकरी की खाद या गोबर की खाद या हैंड्स की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन्हें पोषित करता है विकसित होने में, और इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरीके से विकसित होते हैं और ये एक हाई यील्ड वैरायटी है। इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत अच्छा होता है, आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपका प्रोडक्शन भी मिल जाता है और आपका जो पौधा है वो हमेशा एवरग्रीन रहता है। लगभग 25 साल तक आपको इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है अगर आप बडिंग या ग्राफ्टिंग वाले पौधे लेते हैं तो। इन पौधों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एक झाड़ से आपको 20-30 kg मिनिमम क्वांटिटी में मिल जाता है। जब ये मैच्योर पीरियड पे होता है तो आपको 40 kg से अबव मिल जाता है पर प्लांट, और मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वह है 300 से 400 रुपीज़ पर केजी जाता है। अगर आप इसे मार्केट में 100 से 200 रुपीज़ में भी अगर आप बेचते हैं तो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं रंबूटन E35 की फार्मिंग से। और अगर आप कमर्शियल तौर पे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो रंबूटन N18 को भी अपना सकते हैं। हार्वेस्टिंग आप जुलाई से अगस्त तक ले सकते हैं या दिसंबर से जनवरी के बीच में भी ले सकते हैं। दोस्तों, किसी प्रकार के कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, मार्केट में अच्छा डिमांड है, सप्लाई कम है, आप इसकी मोनोपॉली भी चला सकते हैं। आगे चल के आप अपने नाम का लोगो और ब्रांड भी तैयार कर सकते हैं। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाते हैं जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। हो सकता आपका एक कदम किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे, ये आपके बिजनेस को ग्रीन बिजनेस में तब्दील कर देता है और यही इसका सौंदर्य है। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पर इस प्रकार के पौधों की रोपनी कीजिएगा जिससे कि इसमें फ्लावरिंग बहुत तेज़ से विकसित होता है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें फ्रूटिंग भी देखने को मिल जाता है। ये अपने फ्रूटिंग से ही पूरे पेड़ को कवर कर देता है जो एक प्रकार का लग्जरी लुक भी देता है। और स्वीटनेस के मामले में सबसे अच्छी वैरायटी जो है वो रंबूटन E35। प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 1 एकड़ की ज़मीन पे 20x20 पे आप 100 पौधे लगा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो 15x15 के हिसाब से 200 से 250 पौधे आराम से बिठा सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया दोस्तों, तो आप उसे आराम से पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे अद्भुत फलों का सेवन करना चाहते हैं या रोपनी करना चाहते हैं या ट्रायल बेस पे पौधे मंगवाना चाहते हैं तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है। दोस्तों, गर्मियों का समय है, आप अपने पॉट्स में, ड्रम्स में या टेरेस में पानी ज़रूर भर के रखिएगा जो बेजुबान जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।